राकेश जी, किस तरह की ये बैठक बुलाई गई थी और क्या रणनीति तय की गई? ये आगामी जो लोकसभा चुनाव 2019 में होने वाले हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उसी क्रम में आज वाराणसी में 6 जिलों की, जिसमें वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये लोकसभा आप कह सकते हैं, ऐसे लोकसभा के जो है आज चंदौली के लोगों की बैठक थी कार्यकर्ताओं की, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, आदरणीय सभी लोग आए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को आशीर्वाद और नेतृत्व प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें दिशा निर्देश दिया। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारी बूथ समितियों का जो गठन चल रहा है उसको लेकर के, हमारी सदस्यता जो 50-50 बूथों पर होनी है उसको लेकर के, केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएँ हैं वो हम जन जन तक पहुँचाएँ, जो हमारे लाभार्थी हैं उन तक पहुँचें, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज मंथन चला है और करीब यह बैठक 12 बजे से लेकर के अभी तक चली है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आगामी 2019 जो है, जो हमने 73+ का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जो ये कहा है और जो वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में 73+ हम करेंगे, उसी क्रम में आज लोग राकेश जी बैठक में हिस्सा नहीं, बैठक में करीब करीब मुझको लगता है कि 250 लोग बैठक में थे। 250 का योगी जी की इस पाठशाला में और कुछ भी खास रहा 2019 को लेकर, कुछ नया? नहीं, 2019 को लेकर के ही जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक पिछले 4-4.5 साल में जो काम किया है उन चीज़ों को लेकर के, 1.5 वर्षों में जो प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में काम किया है, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे घर घर तक बिजली पहुंचाने का रहा हो, चाहे जनधन रहा हो, किसानों की ऋण माफ़ी रही हो, ऐसे बहुत सारे, मतलब अगर गिनती गिनाया जाए तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज़ादी के इन 65-70 सालों में नहीं हो पाए, उसको 4 साल और 1.5 साल में हमारी केंद्र प्रदेश सरकार ने किया, उसी को लेकर के हम जनता तक पहुँचेंगे और उसी के आधार पर हम 2019 में। राकेश जी, अंतिम सवाल, राम जी हमेशा से बीजेपी का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, आस्था भी है और चेहरा भी रहे हैं, आज फैसला आ रहा था तो क्या उस पर भी मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के बीच कुछ जोश? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने उस विषय में कोई चर्चा नहीं, आज केवल कल चुनावी चर्चा हुई, इसके अलावा 2019 में राम गायब रहेंगे बीजेपी? राम के पास कभी गायब नहीं रहे हैं, राम तो जन जन के हृदय में है और यह हमारी आस्था के केंद्र बिंदु है। पूरा भारतवासी कौन नहीं चाहता कि अयोध्या में राम मंदिर बने, इसलिए यह तो हमारे केंद्र बिंदु हमेशा रहे हैं।